चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल रीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार की सुबह 1:50 पर हो गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने एक एक्स पोस्ट में, जिसका नाम पहले ट्विटर हुआ करता था, अब ये एक्स हो गया है, इसरो ने एक्स पोस्ट में कहा है कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्नादुरई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 15 से 20 मिनट सबसे क्रिटिकल होंगे। तब लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहियों के जरिए चांद की मिट्टी पर भारत का राष्ट्र चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अपनी छाप छोड़ेगा। तो कुछ बहुत जरूरी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। दरअसल इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरों ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची, जिसका एक वीडियो इसरो ने एक्स पोस्ट में डाला था। तो कुछ ऐसे जरूरी सवाल जो आपको जानने जरूरी हैं। पहला सवाल, डी बूस्टिंग कैसे पूरी हुई? तो चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के एक एक थ्रस्टर की बदौलत ये संभव हुआ। 2-2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम आए। लैंडिंग में कितनी मुश्किलें आई? 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। 23 अगस्त को ही क्यों लैंडिंग रखा गया है? लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है, 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चंद्रयान 3 का क्या काम होगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज सहित बाकी प्रयोग करने वाला है। तो 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा। तब उसकी स्पीड कम हो गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो पाए। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटा। थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए गए। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू हुई थी। चंद्रयान ने चांद की बेहद खूबसूरत तस्वीर खींची थी, जिसे इसरो ने पोस्ट किया था। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में यानी ऑर्बिट में एंट्री की तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर गुना 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में एंटर करते वक्त उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की, जिनको कहते हैं LPDC कैमरा। ये जो लैंडर है उसके नीचे कैमरा लगा होता है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और चौंक भी गई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।